अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गैज़ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र से। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे इजीएस्ट वीज़ा जो ट्रैवल हिस्ट्री में भी काम आता है, जो टूरिज्म के हवाले से भी अच्छा कंट्री है, ठीक है, जिसमें यूरोप जैसा माहौल है, बिल्डिंग बहुत खूबसूरत हैं, लोग टूरिज़म के लिए आते हैं, सस्ता कंट्री है और बहुत खूबसूरत कंट्री है जिसके अंदर यूरोप का भी टेस्ट आता है, उस कंट्री का आपको वीज़ा किस तरीके से इंशाल्लाह मिलेगा, वो कंट्री कौन सी है। वो कंट्री है बाकू, जिसको अजरबैजान बोला जाता है। अजरबैजान जो है वो टर्की के साथ और जॉर्जिया के साथ आता है। अगर आप लोगों के पास गूगल मैप है तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने जो है अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो है अजरबैजान का वीज़ा हासिल किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। ई वीज़ा होता है, ठीक हो गया। आप घर बैठे बगैर किसी एजेंट के, एजेंट को 15-20 हज़ार रुपया देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी वीडियो पे एक लाइक कर दें आप और 15-20 हज़ार रुपया मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे, हकीकत बात है। घर बैठे आप वीज़ा अप्लाई करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और ये वीज़ा आपके पास इंशाल्लाह होगा घर बैठे। अजरबैजान का पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और सारा जो सा प्राइस भी बताऊँगा आपको, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी लेके जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि भाई ये किस तरीके से आप अजरबैजान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। देखें, किसी भी बंदे ने, ठीक है, पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करना हो किसी अच्छी कंट्री का, ठीक है, तो वो किसी स्ट्रांग कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करता है, जिस तरह से UK हो गया, कैनेडा हो गया, डिफरेंट यानी कि लो, मगर डायरेक्ट वीज़े नहीं लगते, ठीक है। उसके लिए जो है आपको छोटी छोटी कंट्रीज़ करनी पड़ती हैं ट्रैवल, ठीक है। अजरबैजान इज़ वन ऑफ देम और बहुत खूबसूरत कंट्री है, ठीक हो गया। आप लोग अपना जो सा टूर इसमें प्लान कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सिटीज़ हैं अजरबैजान के अंदर, बाकू है, गबाला भी सिटी है इनका, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। उसकी मैं पिक्चर्स जो सी है वो ऐड कर दूंगा, ठीक हो गया, ताकि आप लोग देख सकते हैं सीनरीज व्यू वगैरह किस टाइप के जो से अजरबैजान के। तो पूरा प्रोसेस देखें, आप वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ये अजरबैजान का वीज़ा भी आपके पास होगा, ठीक है। और लास्ट में बता चलूँ, जो लोग कपल्स जाना चाहते हैं किसी चीप कंट्री में, जिस तरह से पहले होता था जी थाईलैंड जाना चाहते हैं कपल्स वगैरह, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, तो उससे मैं रिकमेंड करूँगा कि ये अजरबैजान और टर्की बेहतर है, ठीक है। अगर आप लोग टर्की जा चुके हैं तो आप अजरबैजान चले जाएँ। इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है अजरबैजान के लिए और डायरेक्ट फ़्लाइट वापस आती है, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। How to get the visa of Azerbaijan in 2023 from Pakistan? जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल देख रहे हैं ट्रैवल हाइक। मैं इस चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस और वीज़ा से रिलेटेड गाइडेंस भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, मेरी सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इजिप्ट और श्रीलंका की भी ट्रैवलिंग वीडियोज़ और तमाम डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ा से रिलेटेड भी गाइडेंस आप इस चैनल से हासिल कर सकते हैं, ठीक हो गया गाइज। आज का वीडियो का टॉपिक जैसे है अजरबैजान वीज़ा फ्राम पाकिस्तान, यानी कि अजरबैजान का वीज़ा कैसे हम अप्लाई करें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। जो लोग कपल जाना चाहते हैं या फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, चीप कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, मेरा दोस्त अभी भी गया हुआ है अजरबैजान के अंदर, और अजरबैजान जिन लोगों ने नहीं देखा वो किस तरह का है, यानी कि व्यूज़ कैसे हैं, तो वो आप सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो आप देखें, पिक्चर्स हैं मेरे पास, कुछ वीडियोज़ हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अजरबैजान भी बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। तो ये आप देखें, जी तो गैज़ आपने देखा बहुत खूबसूरत कंट्री है, ठीक है। अजरबैजान का वीज़ा किस तरीके से अप्लाई करते हैं, पहले मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। अजरबैजान के लिए किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपको खाली अपना स्कैन पासपोर्ट चाहिए होता है, स्कैन होटल बुकिंग, जो booking.com से आप कर सकते हैं होटल, ठीक है, मोबाइल से booking.com वेबसाइट है। आप लोग बुकिंग कैसे करें उसकी वीडियो भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख के आपको काफ़ी मालूम मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आपको खाली दो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आपका जो सा है पासपोर्ट स्कैन कॉपी फ्रंट वाली, ठीक है, और दूसरा आपको होटल बुकिंग चाहिए, और तीसरा वाइड बैकग्राउंड के साथ पिक्चर चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपके पास स्कैन कॉपी में होनी चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको वेबसाइट बताऊँगा, वो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है अजरबैजान की, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ अजरबैजान की,
वहाँ से वीज़ा अप्लाई होता है, ठीक है। इसका ई वीज़ा होता है, यानी कि पेपर वीज़ा जिसको बोला जाता है, ये ई वीज़ा मैंने हासिल किया, ठीक है। या आप वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हैं, ये मेरा है ई वीज़ा, ठीक है। ये इस तरीके का ई वीज़ा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये पेपर वीज़ा इसको भी कहा जाता है, स्टिकर वीज़ा नहीं होता, ठीक है। पासपोर्ट पे स्टैंप वगैरह नहीं लगती, ठीक है। बताया चलूँ, 3 डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। उस वेबसाइट पे आप जाते हैं, तीनों चीज़ें जो सी आप पेस्ट करते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, जो सी तीनों चीज़ें बताते हैं, और आप बताते हैं कि आपको वीज़ा किस डेट से किस डेट की वैलिडिटी का चाहिए, ठीक हो गया। तो ये आप उसमें मेंशन करते हैं, उसके बाद 30 डेज़ का आपको वीज़ा मिलता है, ठीक है। 30 डेज़ यानी कि आप अजरबैजान में टूरिज़म कर सकते हैं, ठीक हो गया। और वीज़ा फ़ीस कितनी है, आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से वहीं पे वेबसाइट पे ही पे करेंगे, जिसकी फ़ीस है तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये के दरमियान, ठीक है। 8 हज़ार से 10 हज़ार रुपये के दरमियान, ठीक है, इतनी है, ज़्यादा नहीं है, और कन्फर्म इंशाल्लाह वीज़ा आ जाता है। बात करूँ अर्जेंट, जो वीज़ा अप्लाई करेंगे आप, अर्जेंट अगर आपको चाहिए होगा उस वेबसाइट पे, वो भी ऑप्शन है, जो आपको नॉर्मल डेज 7 डेज़ के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। मैंने नॉर्मल में अप्लाई किया था और नॉर्मल में मुझे 7 डेज़ के अंदर वीज़ा आ गया था, ये जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये अजरबैजान का ई वीज़ा है, ठीक हो गया। और जो फास्ट वीज़ा है उसकी फ़ीस डबल हो जाती है, यानी कि 15 हज़ार कर लें, 16 हज़ार कर लें, ठीक हो गया। नॉर्मल जो फ़ीस है वो है तकरीबन 8.5 हज़ार, 8 हज़ार, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले कर चलता हूँ, आपको वेबसाइट भी बताता हूँ जिधर से वीज़ा अप्लाई होता है अजरबैजान का, और छोटा सा डेमो भी देता हूँ, सारा फॉर्म आप खुद फिल कर लीजिएगा, ठीक हो गया। और जिस वेबसाइट से आप लोग अजरबैजान का वीज़ा अप्लाई करेंगे, उस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप सब लोग जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो गाइस आप आ गए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर हम लिखेंगे बाकू वीज़ा, ठीक हो गया। बाकू वीज़ा जहाँ से ई वीज़ा अप्लाई होता है घर बैठे, ये वेबसाइट है ओरिजिनल, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, evisa.gov.az, ठीक हो गया। ये ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है, किसी और वेबसाइट पे ना जाइएगा आप। इसको हम टैप करते हैं, उसके बाद जौन सी है आने वाला है, ये है जी अजरबैजान का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से हमें अजरबैजान का वीज़ा मिलेगा, ठीक है। इसके 3 प्रोसेस हैं, पहले में हम अप्लीकेशन जौन सी अपनी सबमिट करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं अपनी ऑनलाइन ही, अपना नाम लिखते हैं, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपनी पासपोर्ट की स्कैन पेज की कॉपी होनी चाहिए हमारे पास JPG फाइल में, ये याद रखिएगा, और होटल का नाम याद होना चाहिए जिस होटल में हम रहेंगे अजरबैजान के अंदर, ठीक हो गया। ये 2 चीज़ें, और उसके साथ फिर ये आप सारी डिटेल अपनी मेंशन करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। पेमेंट का पता चलूँ कि भाई वीज़ा फ़ीस कितनी है, 3 दिन की अंदर अंदर इसका अगर वीज़ा प्रोसेस आ जाता है रिज़ल्ट नॉर्मल, ठीक हो गया, 3 दिन के अंदर इसका वीज़ा आ जाता है, और इसकी फ़ीस है $25, ठीक हो गया, जो बनते हैं 8 हज़ार, 8.5 हज़ार रुपये के करीब। और अगर आपको 3 घंटे में चाहिए अजरबैजान का वीज़ा, तो उसकी फ़ीस जो सी है वो है $60, ठीक है, वो यहीं से आपके डेबिट कार्ड से पे हो जाएगी। और आपके ईमेल जो से आपने अपना असल वाला लिखना है, और असल लिखेंगे तो उसके बाद आपको ईमेल पे ही आपका वीज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि हमारा ये पहला स्टेप है। तो इधर जो से आपने नेशनलिटी लिखनी है, अपना पाकिस्तान लिखना है, इस तरीके से ये पाकिस्तान आ गया, ठीक हो गया। ये इस तरीके से आप जो है फिल करेंगे पाकिस्तान, और ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा, और इस तरीके से फिर नेक्स्ट करते जाएंगे। ये ऊपर आप देख सकते हैं अराइवल डेट ऑफ कंट्री, आप ये भी मतलब एंटर करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, और अपना ईमेल जो है वो भी देंगे आप नेक्स्ट, और उसके साथ अपना जो है डाटा आप अपना चेक करेंगे, और उसके साथ आप अपनी पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये मैं सारा प्रोसेस नहीं कर रहा, बहुत ईजी है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से हम फिल करें ये अपनी जो है ई वीज़ा, तो उसकी वीडियो जो सी है वो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, बाकू वीज़े के नाम से, वो आप देख सकते हैं। बआसानी आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप लोग अपने कपल्स जा रहे हैं तो वाइफ का जो सा वो भी आपको सेपरेट से ही फिल करना पड़ेगा, ठीक हो गया गाइस। ये वीज़ा अप्लाई करें अजरबैजान का, ठीक हो गया। ये अजरबैजान का वीज़ा जैसे ही आपको मिलता है तो आप लोग 2 महीने बाद का अप्लाई कर लें, सीट्स पहले ले लें आप, ठीक हो गया। तो ये बेस्ट आपका टूर रहेगा,
वीडियोज़ आपने देखी, पिक्चर्स आपने देखी, कितना खूबसूरत कंट्री है। तो ये अपडेट थी, कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में भी इजाफा होगा, अच्छी कंट्रीज़ के लिए भी आप जाएंगे। अगर आपके पास टर्की का वीज़ा नहीं लग रहा कुछ लोगों का, तो अजरबैजान जाएं आप लाजमी। आप नेक्स्ट टाइम वापस पाकिस्तान आएँ, आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह फिर भी आपका वीज़ा टर्की का लगेगा। ठीक हो गया, हिम्मत नहीं आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।